जय गुरु बच्चे लोग, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो फिर से हम लोग आगे हैं YouTube लाइव। अभी हम लोग इस समय में हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के बारे में। इस समय में हम लोग का पढ़ना एनिमल किंगडम। आज जब एनिमल किंगडम हो जाए खत्म, जैसी एनिमल किंगडम हम लोग का एनिमल किंगडम जैसी हम लोग खत्म कर देंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, पहले एनिमल किंगडम खत्म हो जाएगा, कल एनिमल किंगडम खत्म हो जाएगा, पहले एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम जैसे ही हम लोग पढ़ लेंगे तो पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट, वो है 5 दिन का। मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एनाटोमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटोमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स भी हो जाएगा, उसके बाद होगा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, वो भी 5 दिन का है। तो ये 5-5 दिन का हो जाएगा, माता सरस्वती पूजा से पहले तक ये सब खत्म करना, यूनिट सेकेंड। उसके बाद ये चैप्टर तो कल खत्म हो जाएगा। उसके बाद में सुनिएगा हम लोग का प्लांट किंगडम बचा, प्लांट सॉरी प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाने के लिए मेरे पास में पूरे पूरे फरवरी, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाने के लिए मेरे पास पूरे के पूरे 5 चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी में, पूरे के पूरे फरवरी महीना है, फरवरी और मार्च के फर्स्ट वीक है। उसके बाद में ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो भी टॉपिक बचा रहेगा तो ये खत्म हो जाएगा पूरा, यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का इसी समय पढ़ाते हुए पूरा कंप्लीट, मतलब मार्च लास्ट सिलेबस का बिंदु तक खत्म, मार्च लास्ट सिलेबस का बिंदु तक खत्म। और उसके बाद हम लोग अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक पैक होंगे 12th क्लास के लिए। 12th क्लास में केवल एक ही बैच होगा, एक ही क्लास होगा। ओके, तो 11th में, 11th के पास में जो है सो 22 चैप्टर है, उसमें भी आप लोग नया नया गांव से आए थे तो समझाने में स्लो, स्टार्टिंग में स्लो स्लो लेके चलना पड़ा था, लेकिन 12th में तो सब 11th से गया रहता है तो सबको मालूम रहता है, लैंग्वेज कॉन्सेप्ट रहता है, समझते भी रहता है, तो इसीलिए उसमें अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक खत्म हो जाता है, चूंकि 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर है, लेकिन 11th में कितने 22 चैप्टर है। तो ये पूरा परफॉर्मा बता दिए। तो आज के बाद में कल ये क्लास चलेगा एनिमल किंगडम का, खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट है, राइडर रंजन जायगुरु जी, विष्णु यादव जायगुरु जी, निकुन जायगुरु जी, इंटर कुछ है ऐसे नाम मत लिखो, नाम सही कर दोगे। उसके बाद में नीरज स्टार जायगुरु जी, नवजीत सिंह जायगुरु जी, एलेक्स कुछ नाम है समथिंग वो है जायगुरु जी, आनंद कुमार जायगुरु जी, रवि रवि गुप्ता जायगुरु जी, उसके बाद धीरज जायगुरु जी, और उसके बाद में है अनुष्का जायगुरु जी, अविनाश कुमार जायगुरु जी, सुरेश कुमार जायगुरु जी, रोशन कुमार जायगुरु जी, गुंडू कुमार जायगुरु जी, आकाश कुमार जायगुरु जी, ज्योति कुमार जायगुरु जी। दो बार कॉमेंट मत करिएगा, नहीं तो अपने आप बोट, अपने आप ऑटोमेटिकली मशीन है, अपने आप कट कर देगा। एक ही बार कर सकते हैं, दोबारा जैसे करेंगे ना तो अपने आप में कट कर देता है, आपको 7 सेकंड के लिए फिर बंद कर देगा। चलिए इतना है, पढ़ने वाले इतना स्टूडेंट है अभी तक जुड़े हैं, बाकी सब जुड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सब खोया रहता है, मतलब नहीं होता पढ़ाई लिखाई का, वो सब चूंकि डलनेस होता है। तो खैर छोड़िए, जो भी डलनेस है कई बात को, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो हम लोग का एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम बहुत ही मतलब डायवर्सिटी से भरा हुआ संसार है, मतलब विविधताओं से भरा हुआ संसार है एनिमल किंगडम है। वैरायटी वैरायटी के एनिमल्स आते हैं, कितना आते हैं बताइए, कितना 12,17,000 से 18,00,000 सजीव दुनिया में है धरती पर, लगभग में 17 से 18 लाख, 17 से 18 लाख में अकेले 12 लाख एनिमल्स आते हैं एनिमल किंगडम में, एनिमल्स 12 लाख एनिमल्स। तो वैरायटी वैरायटी का है, मतलब डायवर्सिटी बहुत फास्ट है एनिमलिया किंगडम में, एनिमल्स में। तो हम लोग एनिमलिया किंगडम को पढ़ते हैं बांट करके, क्लासिफिकेशन करके, तो किंगडम तो एनिमलिया है, और किंगडम को बांटेंगे तो नीचे किंगडम से नीचे क्या होता है फाइलम, तो हम लोग फाइलम पढ़े। हर फाइलम में अपना अपना सजीव का कलेक्टर वाला लक्षण वाला जीव होते हैं, जैसे कि पोरीफेरा पढ़ लिए, सिलेंट्रेटा पढ़ लिए, स्टीनोफोरा पढ़ लिए, प्लैटी हेलमेंथिस पढ़ लिए, इसका हेलमेंथिस पढ़ लिए, और बैक क्लास में ऑर्थोपोडा पढ़ लिए थे। तो आज से हम लोग को पढ़ना मोलस्का, आज पढ़ना मोलस्का, एकाउंडर्मेटा, हेमिकोडाटा और कॉर्डाटा, और कॉर्डाटा का पूरा नहीं होगा, उसके बाद कल कॉर्डाटा पूरा फिनिश, और ये चैप्टर पूरा कल फिनिश। उसके बाद
कल हो जाएगा, हो सके आज होगा तो आगे कर देंगे, और आज नहीं होगा तो कल करेंगे, और हो सकता है कल तो कल मॉर्निंग में कर देंगे, और शाम में आकर के मॉर्फोलॉजी स्टार्ट भी कर देंगे। यही समय बच लो, यही वक्त है, जितना ज्यादा है बीज देते हैं, क्योंकि इसीलिए कि आप लोग खाली बैठे हो, कोई काम करने का कोई टेंशन नहीं रहता, ना खाना बनाने का टेंशन रहता है, ना कपड़ा धोने का टेंशन रहता है, उसकी मम्मी से मम्मी के हाथ की रोटी गोल गोल खाते रहते हो, निश्चिंत हो, लॉकडाउन पड़े हुए तो फुल्ली टाइम आपके पास बचा, वरना ऑफलाइन आ जाओगे इतने टाइम कहाँ, ऑफलाइन हो जाए टाइम कहाँ आप लोग के पास में, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, और इतना परेशान हो जाता हूँ, ब्रेन बाउंस कर जाता, थक जाता हो, शाम में भी टाइम बचता पढ़ने का, उसके इतना ऊर्जा नहीं बचता है कि पढ़ाई कर पाओगे शाम में, इसलिए जितना हो सके अभी घींच दो, और घींच देते हैं। कंट्रो पॉइंट आगे बढ़ते हैं, एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम में बहुत सारे पास से पढ़ा चुके, कहाँ तक थोड़ा सा हाईलाइट ही बता देते हैं, कहाँ कहाँ तक समझ चुके थे, और एनिमल को दो भाग बांटा गया था नोटो कोड के आधार पर, जल्दी जल्दी बोलेंगे, रिविजन में जल्दी जल्दी बोलता, बहुत फास्ट बोलता हूँ, नोटो कोड के आधार पर, नोटो कोड क्या होता है, जब भ्रूण बनते हैं तो भ्रूण में वो रॉड बनते हैं डॉर्सल साइड में, उसको तो नोटो कोड, वही नोटो कोड हम लोग ने रीढ़ की हड्डी में बदल गया, तो नोटो कोड जिसमें रहेगा उसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स, जिसमें नोटोकॉर्ड रहेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं कॉर्टेक्स कहते हैं, और जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं रहेगा उसको नॉन कॉर्टेक्स कहते हैं। नॉन कॉर्टेक्स में क्या आते हैं, फाइलम पोरिफेरा पढ़ लिए, सिलेंटेटा पढ़ लिए, टिनोफोरा पढ़ लिए, प्लैटिहेलमिंथ्स पढ़ लिए, स्क्लेरोमेटिस पढ़ लिए, एनेलिडा पढ़ लिए, ऑर्थ्रोपोडा पढ़ लिए, और आज से क्या पढ़ेंगे, मोलस्का, 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 आज से हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोलस्का सब पढ़ेंगे, सितुआ के बारे में पढ़ेंगे, मोलस्का के बारे में, आगे पढ़ते बच्चे लोग, पिटाना भी होगा तो पढ़ेंगे, हेमिकोर्डाटा भी पढ़ेंगे, कोर्डाटा कुछ पार्ट पढ़ेंगे, तो पहला जो हम लोग का क्लासिफिकेशन सिस्टम था एनिमल का, 12 लाख को बंटवारा करने का, नोटोकोड का धापा दो प्रकार के, कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स में कितने 10 फाइलम, कॉर्डेट्स में कितने 1 फाइलम, ये बात हम लोग समझ गए। तो पॉइंट, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद बताया आप लोगों की ऑर्गेन लेवल पर, कुछ सजीव का शरीर बने होते हैं केवल सेल लेवल पर, तो सेल से सेल से सेल से उसको मिलता है सेलुलर लेवल, उसके बाद सेलुलर लेवल में पोरिफेरा आते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेगा टिश्यू लेवल, सेल से आगे बढ़ेगा टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल सिलेंटेटा टिनोफोरा आते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेगा तो ऑर्गेन लेवल, ऑर्गेन में प्लैट हेलमेंथिस आते हैं, प्लैट वन, ऑर्गेन से आगे बढ़े ऑर्गेन सिस्टम, एस्केर हेलमेंथिस, एनिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकंडरमेटा, हेमिकोटाटा, कोटाटा, हम लोग का ऑर्गेन सिस्टम लेवल में ये हो गया। जो ऑर्गेन सिस्टम का डाइजेस्टिव सिस्टम का दो प्रकार होगा, कंप्लीट इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट डाइजेशन कहते हैं कि मौत तो होगा लेकिन एनस नहीं होगा, तो इनकम्प्लीट कहते हैं, और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं उसको जो मौत भी होगा और एनस भी होगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इनकम्प्लीट किसमें होता है, फाइलम स्केलेटल हेलमेंथिस में, एनिडा में, और उसके टिनोफोरा में, इनकम्प्लीट होता है, और कंप्लीट कहाँ से होता है, स्केलेटल हेलमेंथिस से कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। उसके संकुचित सिस्टम दो प्रकार होते हैं, एक होता है ओपन टाइप, दूसरा होता है क्लोज टाइप। ओपन टाइप में खून की नली में खून हमेशा नहीं बहेगा, नली के बाहर भी खून रहेगा शरीर के अंदर में, बॉडी में, उसको हीमोलिम्फ कहते हैं, तो ओपन टाइप हुआ। और क्लोज टाइप में क्या होता है, क्लोज टाइप में होता है क्या कि खून हमेशा खून की नली में, बंद नली में घूमते रहेगा, तो क्लोज टाइप कहते हैं, ये हम लोग जान गए। क्लोज टाइप में क्या आते हैं, एनेलिडा आते हैं, हम लोग आते हैं, और कोटाटा आते हैं। उसके बाद में ये सब हो गया था सिमेट्रिक आधार पर, सिमेट्रिक आधार पर, सिमेट्रिक आधार पर बताया था आप लोग को कि दो प्रकार के सजीव होते हैं, एसिमेट्रिकल, सीरो सिमेट्रिकल, और एसिमेट्रिकल मतलब एसिमेट्रिकल, उसके रेडियल सिमेट्रिकल और बायलैटरल सिमेट्रिकल, मतलब वैसा सजीव जो कोई भी पार्ट से काटे हुए तो वही पार्ट निकलेगा, तो वह एसिमेट्रिकल, जिसमें कोई सिमेट्री नहीं हो, मतलब कोई पार्ट काटे हुआ दिखा तो वही होगा, जिसमें क्या आता है फाइलम पोरिफेरा, उसका रेडियल सिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल में सुनिएगा, रेडियल रेडियल सिमेट्री में कौन आएगा, तो रेडियल सिमेट्री में आएगा जैसे कि हाइड्रा है, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा और इकैनोडर्मेटा, इसमें ई पार्ट अलग काटना पड़ेगा, ई पार्ट अलग काटना पड़ेगा, ई पार्ट ई पार्ट ई पार्ट अलग काटना पड़ेगा, तो वह रेडियल सिमेट्रिकल। उसके बाद बताया बायलेटरल सिमेट्रिकल, वहां पर जितने भी सब बायलेटरल सिमेट्रिकल बीचों बीच चीरेंगे, बीचों बीच चीरेंगे तो बॉडी का दो भाग इधर जाएगा, आधा इधर आएगा, एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, एक नाथ इधर, एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, एक बॉडी इधर, तो हम लोग कहते हैं बायलेटरल सिमेट्रिकल, ये भी हम लोग समझ गए थे, रिविजन भी करा रहे हैं, चिंता नहीं करिएगा, अभी मैं रिविजन करा रहा हूँ जल्दी से। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जर्म लेयर, हमने हम लोग का जो बॉडी बना है इंद्रियों से, इंद्रियों में जर्म लेयर होता है, मेजोडर्म, एक्टोडर्म, इंडोडर्म, इंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेजोडर्म, तीन लेयर से बनाएगा डिप्लोब्लास्टिक, और दो लेयर से बनाएगा डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक में कौन आएगा, फाइलम, फाइलम, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, डिप्लोप्लास्टिक में, और डिप्लोप्लास्टिक से स्टार्ट हो जाता कहाँ से, प्लैटिहेलमिंथेस, एस्केलेटल हेलमिंथेस, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकेंडरमेटा, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। कंट्रो पॉइंट, ये भी हम लोग समझ गए, कंट्रो पॉइंट ये बातें। नेक्स्ट, उसके बाद था सीलोम, बॉडी के अंदर में कैविटी होगा, सीलोम, सीलोम के कारण किसी जीव में सीलोम नहीं रहेगा तो उसको एसिलोमेट कहते हैं, जिसमें सीलोम रहेगा तो सीलोमेट कहते हैं, और जिसमें सीलोम झुकता रहेगा तो सीलो सीलोमेट कहते हैं, तो एसिलोमेट में कौन आएगा, पोलिफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा और प्लैटिहेलमिंथेस,
सिलोमीटर आएगा, सीरो सिलोमीटर में कौन आएगा, सॉरी सीरो सिलोमीटर में कौन आएगा, इसके हेलमेंथी से स्टार्ट होगा सीरो सिलोमीटर, इसके हेलमेंथी सॉरी प्लेटिन हेलमेंथी से, प्लेटिन उल्टा हो रहा है, इसके हेलमेंथी से, इसके हेलमेंथी से स्टार्ट होगा सीरो सिलोमेटर, उसके बाद यहाँ से तो सिलोमेट हो जाएगा, एनिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा, हेमिकोडा, डाकोडा, ऐसे क्या आएगा सिलोमेट, सिलोमेट में, सिलोमेट में भी हम लोग समझ गए थे जल्दी से, कमा समझाना नहीं रिविजन का, उसके बाद में था ये सब हो गया था, उसके बाद में था हम लोग मेटामेरिक सिगमेंटेशन, मतलब शरीर खंड खंड में टूटा कटा रहेगा तो मेटामेरिक सिगमेंटेशन कहते हैं, ये किसमें क्या आते हैं एनिडा फाइलम में, एनिडा फाइलम आते हैं यहाँ तो हो गया था, उसके बाद ये तो बैकग्राउंड बता चुके थे, आगे बढ़ते इस स्पॉन्ज पढ़ा चुके थे, फाइलम पॉलीफेरा ये सब पढ़ चुके हम लोग, फाइलम पॉलीफेरा में केवल एक चीज होता है वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम में पानी इंटर करेगा ऑस्ट्रिया से, जाएगा स्पॉन्जोसी में, निकल जाएगा ऑस्कुलम से और यहाँ पर रहेगा सेल, उस सेल का नाम है कॉलर सेल, कॉलर सेल फ्लैजेला रहेगा, जो भी पानी में जाएगा जो भी चीज उस चीज को क्या करेगा कैप्चर करेगा फ्लैजेला, और उसके बाद इसके बाद अमोबाइल सेल है वो खा जाएगा, तो सेल के अंदर पाचन होगा और साथ में पानी के द्वारा जाएगा, पानी में ऑक्सीजन मिला था ऑक्सीजन उठी चलेगा डायमेट में बाहर निकलेगा, पानी के द्वारा निकलेगा वाटर ट्रांसिशन, तो इस फाइलम में केवल वाटर ट्रांसिशन और किसी कुछ नहीं होते, आगे बढ़े हम लोग पढ़ चुके थे सिलेंटेटा, सिलेंटेटा टिश्यू ग्रेड का जीव है, सिलेंटेटा टिश्यू ग्रेड और यहाँ हर्माफ्रोडाइट होते हैं बाइसेक्सुअल होते हैं, सिलेंटेटा जो होते हैं टिश्यू ग्रेड का जीव होते हैं टिश्यू ग्रेड का, और इसके पास में एक सेल होता है, सेल को हम लोग कहते हैं नीडोब्लास्ट सेल, सिनोनोब्लास्ट सेल है नीडोब्लास्ट सेल है नीडोसाइट सेल, जिसके पास डंक मारने का कैप्सूल होते हैं उसको हम लोग कहते हैं नेमाटोसाइट कैप्सूल, नेमाटोसाइट होते हैं नेमाटोसाइट होते हैं, ये भी हम लोग समझ चुके थे, इसलिए इसके नाम पर नाम पड़ा, इस सेल के नाम पर बना मतलब डैटमिनस की सेल का नाम है, नाम है नीडोब्लास्ट, उस नीडोब्लास्ट सेल के नाम सेल उसका नाम पड़ा निडेरिया, चूंकि सब इसमें दो रूप होते हैं पोलीपा मेडुसा, पोलीपा मेडुसा होते हैं दो रूप होते हैं, इसमें दो रूप होते हैं, एक होते हैं बॉडी होता है ऐसे सिलेंड्रिकल होगा तो पोलिप होगा ऐसा रहेगा तो मेडुसा होगा, ये सब बात सब बता चुके थे यूट्यूब पर है कितने बार देखना चाहते हजार बार देख सकते हो, फाइल में क्या होता है ऊपर है तो एक बार हो गया, लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है 50 बार देखो 100 बार देखो वीडियो सेव है, और जब तक आप उनको समझ नहीं आता तब तक आगे नहीं बढ़ाइएगा, प्ले बैक कर देख सकते हैं, ये बच लो लाइव क्लास का दैट मीन्स ऑनलाइन क्लास का, कोई कहता ना ऑनलाइन का बुराई करता नहीं, टाइम पास लड़का होता जो ऑनलाइन का बुराई करता, अब कितने अब ऑनलाइन में क्या होता है एक बार आप जो पढ़ा दिए हो सके कल थोड़ा सा रिविजन कराएंगे, थोड़ा सा करेंगे वो भी नहीं करवाएंगे, अगर टेंशन रहेगा तो नहीं करवाएंगे या क्लास रहेगा तो नहीं करवाएंगे या ज्यादा कभी नहीं करवाएंगे, लेकिन हम तो करवा दे दो पेपर, लेकिन ऑनलाइन का होता रिकॉर्ड भाई रिकॉर्ड है, जितना बार देखना देख लो समझ कर देख लो, इससे और क्या फायदा मिलेगा, बट पता नहीं क्यों और ऑनलाइन का सब बुराई करते थे पता नहीं चलते रहता, क्योंकि इससे इस बात टेक्नोलॉजी नहीं है अपडेट नहीं इंसान सब है, इस सब बता चुके थे सब कुछ बता चुके थे, सिनोफोरा भी बता चुके थे ट्रांसपेरेंट होते हैं पूरा बॉडी ट्रांसपेरेंट होता है, सिनोफोरा का भाई लुमिनस होते हैं लाइट इमिट करते हैं, प्लैटिन हेलमेंथ फ्लैट वर्म होते हैं चपटा क्रिमी होते हैं, बिल्कुल चापट होते हैं पैरासाइट होते हैं, उनके बारे में हम जान सकते हैं, फीटा क्रिमी के बारे में हम जान नाम सुने हैं, फीटा क्रिमी फीटा जानवर सन होता है हम लोग में होगा तो सीधे हम लोग चले जाएंगे ठीक है नहीं हम चले जाएंगे, उसके बाद गोल क्रिमी राउंड वर्म पिन वर्म ब्रुक वर्म बैग वर्म फ्लैजिया वर्म आते हैं फाइलम एसके हेलमेट में, ये सब भी पढ़ चुके थे फाइलम एसके हेलमेट में, ये सब भी हम लोग सब कुछ जान चुके थे बीमारी भी जान चुके थे, उसके बाद एनिलडा था एनिलडा का शरीर कट 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 रहा था एनिलडा का शरीर, और एनिलडा का शरीर पानी के बाद में धरती पर पहली बार आया वो मॉइस्ट जगह पर नमी वाला जगह पर आया, और इसके पास पाँव नहीं होता लेकिन झूठा पाँव होते एक जीव जिसका नाम नेरी जिसको पारापोरिया कहते हैं, सब पढ़ा चुके हैं अभी नहीं बताना हमको रिविजन करना कर करा रहे हैं चलो कर दो आगे, उसके बाद हम लोग पढ़े थे आर्थ्रोपोडा, इस धरती पर सबसे ज्यादा वैरायटी का सबसे ज्यादा संख्या वाला सबसे लार्जेस्ट जो फाइलम है उसका नाम है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा बता चुके थे आर्थ्रोपोडा क्यों लार्जेस्ट है क्यों ज्यादा सजीव इसमें है 9 लाख अकेले सजीव क्यों है 80% नंबर टोटल एनिमल्स का सजीव इसमें आर्थ्रोपोडा में क्यों, तो इसलिए ना तो प्रॉब्लम है 80% सजीव, उसके पास में लेयर शरीर के ऊपर में जो लेयर होता है उस लेयर को हम लोग कहते हैं काइटिन लेयर, और काइटिन लेयर पर एटम बम का भी असर नहीं पड़ता, इसीलिए बच लो ये बहुत ज्यादा सरफसाइड करता है, चले कंटो पॉइंट ये सब लोग समझ चुके ये सब बात हम लोग समझ चुके सब कीड़ा मकोड़ा जितने भी जितने सब पी उतनी जो भी कुछ होते हैं सबके सब क्या होते हैं आर्थ्रोपोड होते हैं, आज की क्लास हम लोग को यहाँ तक हम लोग रिविजन कर दिए, आज की क्लास का टॉपिक यहाँ से है, तो फिर से जाएगी बचलो यहाँ तक मैं आप लोग को टोटली रिविजन करा दिया, क्लास कर करके दिमाग में आ गया होगा क्या चीज अब तक पढ़े, अब पढ़ेंगे आज से मोलस्का, मोलस्का मोलस्क भी कहते उसके एनिमल को मोलस्क कहते, घोंघा सितुआ शंख ऑक्टोपस ये सब जो आते हैं मोलस्का फाइलम के जीव,
सेकेंड लार्जेस्ट है, मतलब सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमिलिया किंगडम का, एनिमल किंगडम का सेकेंड लार्जेस्ट। और बता देते हैं ये पानी में तो रह गया था, धरती पर मस्त जगह में रहेगा तो रहेगा, वरना पानी में तो रह गया था। लेकिन इसका शरीर दुनिया में जितनी भी एनिमल्स है धरती पर उन सब में से सबसे सॉफ्ट, सब में से सबसे सॉफ्ट बॉडी इसी में, इसी के पास है, फाइलम मोलस्क के पास में। इतना शरीर इसका मखमल होते सॉफ्ट होते हैं, इतना शरीर इसका मखमल सॉफ्ट होते हैं कि उसको ढकने के लिए तो कवच दिया, ढकने के लिए क्या दिया, सेल दिया, कवच दिया, ढकने के लिए सेल दिया है और कवच दिया है, सेल दिया है और कवच दिया। देखते रहे अभी बात बात करते हैं। सेल मतलब कवच, और कवच किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट से CaCO3 से बना होता है कवच। इतना उसका बॉडी सॉफ्ट होता है, दुनिया में सबसे सॉफ्ट बॉडी वाला कोई एनिमल्स है तो उस फाइलम का नाम है, चलिए तो उसका नाम क्या है, सबसे सॉफ्ट वाला एनिमल वाला सजीव दुनिया में, उस सजीव का नाम फाइलम का नाम क्या, फाइलम मोलस्का, जो सेकंड लार्जेस्ट है। इसमें लगभग में 80,000 वैरायटी के जाति के जंतु पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, 80,000 वैरायटी के, लगभग ज्यादा और भी हो सकते हैं, लगभग आगे बढ़ते। तो ये सेकंड लार्जेस्ट था फाइलम मोलस्का, वहां से तो कौन नहीं जानता, ये ऑक्टोपस है, ये ऑक्टोपस है, ये हम लोग पाइना मतलब घोंघा कहते हैं, घोंघा डोकी सितुआ संघ इस बात में। ये मोलस्का टेरेस्ट्रियल में कम में रहता, धरती पर टेरेस्ट्रियल स्थल पर कम में रहता, मेन कहाँ रहेगा, एक्वेटिक मतलब पानी में, चाहे फ्रेश वाटर हो या तो मैरिन वाटर हो। बता चुके थे मैरिन वाटर मतलब समुद्री पानी, फ्रेश वाटर मतलब हम लोग का नदी पोखरा झील तालाब का, मतलब उस पानी को कहा जाता है मीठा जल, ऐसे मीठा तो नहीं होते लेकिन कहा जाता फ्रेश वाटर, देखने में सांवला नहीं, फ्रेश वाटर। आगे बढ़ते, ऑर्गेन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, इंजन वे कर तो यहाँ पर ट्रिपलो ब्ला, ये सब बात सब घिसा पिटा बात है, ये सब बाकी जो भी बोले ना सब घिसा पिटा बात है। उसके बाद क्या है, तो बायलेटरल सिमेट्रिकल है, घिसा पिटा बात है, ट्रिपलो ब्लास्टिक है, घिसा पिटा बात है, उसके बाद सिलोमेट है, घिसा पिटा बात है, मतलब अभी रिपीट होगा, ऑर्गन सिस्टम, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, बायलेटरल सिमेट्रिकल, ये सब बात रिपीट होगा, रिपीट होगा, मतलब ये कैरेक्टर इसमें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट, अगला पार्ट, इसकी बॉडी आप चलिए यहाँ से, इसकी बॉडी जो ढका है कवर्ड है कैल्केरियस सेल से, कैल्केरियस सेल मतलब ये सेल होता है, इसको सेल करते हैं, मतलब सेल, इस सेल का मतलब होता है खोल, खोल खोल करते, खोल जो बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से, जो मोल्ड मजबूत होते हैं। आप चलिए अनसेगमेंटेड विद डिस्टिंक्ट, उनके बॉडी में कोई कटा नहीं पार्ट नहीं आता, उनके बॉडी अंदर में कोई कटा पार्ट नहीं आता, लेकिन डिफरेंशिएट होता है, मतलब रीजन अलग अलग होता है। जैसे कैसे नाकापान से गुना तक एक ही रोड है, लेकिन रोड का जगह का नाम क्या अलग है, कटा नहीं लेकिन जगह, रोड का जगह का नाम क्या अलग है। तो वैसे तो बॉडी तो अनसेगमेंटेड रहेगा, सेगमेंट खंडित नहीं, अंश जैसे एनिलिडा में खंडित था, एनिलिडा में बॉडी कटा कटा था, एनिलिडा खंडन करती है, अर्थवर्ड में बॉडी कटा 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 था, इसमें बॉडी कटा नहीं रहेगा, लेकिन बॉडी में तीन भाग रहेगा, हेड रहेगा, मस्कुलर फुट रहेगा, विस्कुलर हम्प रहेगा, ये बात याद रखिएगा। ये कैरेक्टर मेन है, ये कैरेक्टर मेन है, उनके मोलस्का फाइलम के एनिमल के पास के शरीर में तीन शरीर, माने शरीर में तीन पार्ट रहेगा, रीजन में तीन पार्ट रहेगा, हेड रहेगा। अब चलिए इस पार्ट को हम लोग कहा जाता है, मेनली कहा जाता है यहाँ तक, हेड कहा जाता है, ये हेड वाला पार्ट है, हेड वाला पार्ट, उसके मस्कुलर फुट है, ये पार्ट को कहा जाता है मस्कुलर फोर्स, इसको कहते हैं मस्कुलर फोर्स, और अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं विसरल मास, विसरल हम्प। तो तीन पार्ट है, तो मोलस्का फाइलम के एनिमल्स के बॉडी में तीन पार्ट होते हैं, फुट और मस्कुलर फुट, मतलब ऑक्टोपोडा में तो कैटेनियस लेग्स था, उसमें तो अलग ही लेग्स था, ज्वाइंट लेग्स था, पर इसमें ज्वाइंट लेग्स है, मस्कुलर फुट है, मांस का ही बना हुआ फुट है, मतलब पैर। उसके बाद क्या, हेड है, और उसके बाद क्या है, विसरल हम्प, जो अंदर में हमेशा रहता है, विसरल हम्प कभी बाहर नहीं निकलता, वो अंदर में रहता, खोल के अंदर में रहता, इतना पार्ट निकल सकता है, इतना पार्ट बचलो निकल जाएगा, इतना पार्ट बॉडी के बाहर, सेल के बाहर निकल जाएगा, लेकिन विसरल हम्प इतना पार्ट नहीं निकलेगा। तो ये बात समझ गए, अब इसमें भी देखो, अब जैसे कि मान लीजिए ये पार्ट इतना, ये पार्ट हुआ फुट हो गया, अंदर का यहाँ पर जो पार्ट होगा उस पार्ट क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा, मतलब ऊपर वाला पार्ट, ऊपर सॉरी ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा हेड, और नीचे वाला फुट हो जाएगा, फुट फुट फुट, फिर से वन सेकंड, वन सेकंड, वन सेकंड, वन सेकंड, ये वाला पार्ट हो जाएगा हेड, और ये वाला पार्ट हो जाएगा फुट, और अंदर का जो पार्ट है उस अंदर वाला पार्ट को हम लोग कहते हैं इंटेस्टाइन, सब होते हैं विसरल हम्प कहते हैं, विसरल हम्प,
हेड वाला पार्ट जिसमें कि एंटीना रहता, आंख जैसे आंख रहता, इसमें आंख नहीं रहता ऐसे से, ओके तो हेड वाला पार्ट किसी भी माउथ भी रहता, और ये फूट हुआ ऐसे से चलता था, ऐसे से चलते रहता। देखिए आप लोग, तो तीन पार्ट है मोलस्का की, फाइलम के एनिमल्स के शरीर में तीन पार्ट है। शरीर ढका है किससे, खोल से, खोल क्या कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ, खोल किससे बना है, कैल्शियम कार्बोनेट से, समझ। आप चलिए, सॉफ्ट होते स्पॉन्जी होते, उसका बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होते, बहुत ज्यादा स्पॉन्जी मतलब गुद्देदार, गज गज करेगा, स्पॉन्जी होता है। मेंटल लेयर से क्या करता, ढका रहता है, मतलब मेंटल लेयर होता है कवर ऊपर में, मतलब खोल के अंदर में, खोल के अंदर, ये तो खोल हुआ, सेल हुआ, ये हुआ सेल, सेल के अंदर में वो लेयर होता है, उस लेयर को हम लोग कहते हैं मेंटल लेयर, उस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं मेंटल लेयर, मेंटल लेयर। तो मेंटल लेयर से क्या होगा, ढका रहेगा, उसके अंदर का विसरल हम, विसरल हम ये रहेगा सेल का नाम है विसरल हम, विसरल हम जो ढका रहेगा जो लेयर से, उस लेयर का नाम है मेंटल लेयर, या करेगा मेंटल लेयर, जो खोल के जिस जस्ट अंदर रहेगा मेंटल लेयर, और मेंटल लेयर के माने कि नीचे में रहेगा विसरल हम बॉडी। स्पेस बिटवीन हम एंड मेंटल लेयर इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी, मतलब स्पेस की ऑफ बॉडी। मान लिया कि ये खोल हुआ, घुमा बनाते, घूंगा ये घूंगा, घूंगा बनाते, ओके अब ये घूंगा हुआ, ओके ये घूंगा हुआ, अब ये होगा सेल, ये होगा सेल, और सेल हो गया, उसके बाद में ये होगा मेंटल लेयर, ओके ठीक है मेंटल लेयर, और उसके बाद में ये हुआ विसलर हम, ये शरीर हो गया विसलर हम, ये हुआ सेल, ये हुआ मेंटल लेयर। तो मेंटल लेयर और विसलर, विसलर हम मतलब मेंटल लेयर और विसलर हम, याद रखिएगा मेंटल लेयर, मेंटल लेयर है और विसलर हम है, दोनों के बीच में जो जगह है, ये बीच में, इस बीच में जो जगह है, इस जगह को जो हम लोग पिंक करके, इस जगह को हम लोग क्या करते हैं मेंटल कैविटी, उसी मेंटल कैविटी में, उसी मेंटल कैविटी में गिल्स रहेगा, गिल्स मतलब सांस लेने वाला अंग रहेगा, गिल्स मतलब सांस लेने वाला क्या रहेगा अंग रहेगा, गिल्स रहेगा। फेफड़ा नहीं होता उसके पास में, लंग्स नहीं होते, लंग्स हो गए तो बुक लंग्स कहते हैं, गिल्स होते। तो इतना बात आप लोग को याद रखना पड़ेगा। फिर से तो मोलस्का का फाइलम का जीव ऊपर से ढका है सेल से, सील बना है कैल्शियम कार्बोनेट से, उसके अंदर में मेंटल लेयर है, मेंटल लेयर के नीचे में क्या है उसका बॉडी है, मेन बॉडी विसरल हम्प है। बॉडी में कितने पार्ट होते, तीन पार्ट होता है, हेड होते हैं, फूट होते हैं और विसरल हम्प होते हैं। इतना बात हम समझ गए, पॉइंट टू पॉइंट इसके आगे बताते, उसके बाद रिस्पेक्टिव फंक्शन करेगा, मेंटल लेयर का जो काम होता है गिल्स का, गिल्स का दोनों काम करेगा, चूंकि पानी में रहता है तो दोनों काम, स्केटिव भी करेगा और रिस्पेक्टिव भी करेगा, सांस भी लेगा उत्सर्जी भी करेगा। हालांकि उत्सर्जी करने के लिए उसके पास में कुछ किसी के जीव के पास में इसमें किडनी का रूप रहता, प्राइमरी किडनी का रूप होता है, किडनी तो नहीं होता, किडनी का पहला रूप जैसे होते हेड द सेंसरी टेंटिकल्स, उसमें छोर पर, अब किसी इस घुमा छोर पर सेंसरी टेंटिकल्स होता है, शोर होता है, टेंटिकल्स होता है, उस टेंटिकल्स में क्या देखिएगा आंख भी रहता, ऐसे देखिएगा आप लोग ऐसे ऐसे देखिएगा, उसमें ये रहता आंख भी रहता, उसमें किसी किसी में सब मैंने सेंसरी टेंटिकल्स होते बॉडी के। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट देखेंगे, अब क्या ये टेंटिकल्स, ये देख लिया आप लोग समझ गए, ये टेंटिकल्स है और यहाँ पर क्या आता आंख रहता, ओके। उसके बाद मौत कंटेन द फाइल लाइक रैप्सिंग ऑर्गन फीलिंग कॉल रेडुला, उसके बाद मौत होते हैं ना, मौत में फाइल लगे जैसे फाइल, फाइल में से ऐसे फाइल बंद करते फिर खोलते हैं, अब जैसे कि आप लोग डॉक्यूमेंट को फाइल में रखते हैं तो फाइल को धागा खोल दिए और फाइल को कवच खोल दिए और फिर डॉक्यूमेंट को रख दिए और फाइल को फिर कवच को क्या करिए रख दिए और बांध दिए, तो वैसे उसके पास में मुंह रहता है, उस मुंह में मांस का बना हुआ जो वो फाइल रहता है कवन, उसको तो रेडुला कहते हैं, रेडुला, रेडुला, इसीलिए ये ऐसे ऐसे बंद होता था, ऐसे बंद होता था, ऐसे बंद बंद होता, बंद होता था, तो कुछ ही खाता नहीं, जैसे कि एलगी सब खाता हो, कदई सब खाता है, ये सब पत्ता खाता है, तो ऐसे ऐसे खाएगा, मतलब ये तो फाइल है तो अब ऐसे फाइल, फाइल खुला हुआ फाइल बंद होगा, फाइल बंद होगा तो लुब 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 ऐसे बंद होगा, तो लुब लुब रहते ऐसे खाते रहेगा, खाते रहेगा, तो उसका मौत है, जैसे कि मौत है इसमें, ये फाइल हुआ, ये फाइल हुआ और ये मेरुदुला हुआ, ये बंद होता खुलता है, बंद होता खुलता है, ऐसे इस चीज को अंदर घुटते रहता, अरे हमें जैसे वो खुआ ना, वैसे उसके पास में मोलस्का किंगडम के जीव के पास में रेडुला है, मांस को ना लुग 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 कर खाते रहता। चलिए ये बात हम समझ गए, दांत भी होता उसके पास में, इसके पास में दांत भी होते, ये दांत 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 भी होते, इसमें दांत ऐसे दांत दांत होते, ये दांत होते दांत दांत,
ओके, ये पीठ है, इसके पास टीथ है, याद रखिएगा इतना बड़ा। निकालो पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट। अब है देवर यूनिडाइसियस, ये क्या होता है कि डाइसियस होते हैं, मतलब यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब बाइसेक्सुअल नहीं होते, ये क्या होता है यूनिसेक्सुअल, मतलब मेल बॉडी अलग होता है फीमेल बॉडी अलग होता है। आप इसे देखे होगे, सब नया बात नहीं है, दो घूंगा सब डोकी सब देखे आपस में सटा रहा था, तो क्यों सटा रहा था? रिप्रोडक्शन करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए सटा रहा था, ये हम लोग जानते हैं। तो अंडा देने वाला था, अंडा देना क्या हुआ, ओविपेरस, और इनडायरेक्ट होता है, मतलब इसमें लार्वा होता है, इन डेवलपमेंट इनडायरेक्ट मतलब लार्वा होता है, और डायरेक्ट मतलब क्या था, सीधे बच्चा हो जाएगा घोंगा जैसे। चलिए इसका एग्जाम्पल क्या, पायला, पायला पायला पायला, ये बच्चे लोग पायला हुआ, ये घूंगा डोका हम लोग कहते हैं पायला। अब बच्चों इसको याद रखिएगा, इसका नाम है पर्ल ऑस्टर कहते हैं, इसको कहते हैं पर्ल ऑस्टर, है ना, पिन पिन टाटा, इसको बायोलॉजी भाषा में कहते पिन टाटा, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं पर्ल ऑस्टर। इसमें मोती बनाया जाता है, इसका खेती किया जाता है, इसमें मोती बना ही मोती बना, इसमें एक खास प्रकार का पत्थर दिया जाता है, या पता नहीं कैसे हमको नहीं मालूम है, लेकिन पत्थर दिया जाता है, उसके बहुत दिन तक पानी में छोड़ देता है, उसके पानी से निकालता है, उसकी बॉडी को चीरता है, तो देखता है मोती निकलता है, मोती बनता जाता है, बहुत कीमती होते हैं मोती, आप जानते कि नहीं, हीरा मोती सोना चांदी, हीरा के बाद मोती का स्थान होते कीमती में, हीरा मोती मतलब सोना चांदी, हीरा मोती सोना चांदी। तो ये सितुआ, हम लोग के गांव का सितुआ, सितुआ, लेकिन हम लोग गांव के सितुआ को चीरेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा उसमें, और ये ऐसे बनाया जाता है, खेती किया जाता है, उसको तो पर्ल कल्चर, पर्ल कल्चर, पर्ल कल्चर, पर्ल पर्ल कल्चर, मतलब उस सितुआ को पाला जाता है, उसमें पत्थर डालते थे, ऑपरेशन सर्जरी कर देता और पत्थर डाल देता, वो पत्थर बहुत दिन के बाद में क्या होता है, मोती बदल जाता है, वैरायटी है। ओके बच्चे लोग, ये तो समझ गए। उसका सीपिया, कटल फिश, ये सीपिया है, कटल फिश है ये, सीपिया कटल फिश, ये रॉक जैसे पानी में चलते रहता है, बॉडी आधा ढक रहता है किससे, सेल से, और आधा निकल रहा था, उसमें भी टेंटिकल्स होता है। उसके बाद अगला है सीपिया हो गया, कटल फिश, उसके बाद लेवी गो मतलब एस्क्यूट, लेवी गो एस्क्यूट, एस्क्यूट तो ये तो जानवर करते हैं, एस्क्यूट है ये, एस्क्यूट है बहुत बड़ा एस्क्यूट होते हैं। और दूसरा अब लास्ट क्या होता है, ऑक्टोपस, तो इन सब जीव सब हुआ, ऑक्टोपस ये तो बस कौन नहीं जानता, उसको डेविल फिश का, ऑक्टोपस को हम लोग क्या कहते हैं, डेविल फिश, डेविल फिश। और एक और होते हैं एप्लेसिया, सी हेयर, एप्लेसिया, एप्लेसिया, एप्लेसिया को हम लोग कहते हैं सी हेयर, एप्लेसिया को हम लोग क्या कहते हैं, सी हेयर, सी हेयर, ऐसे मतलब हेयर जैसे रहता है समुद्र में, हेयर जैसे रहता है, सी हेयर, एप्लेसिया। उसके बाद डेंटेलियम, डेंटेलियम या बहुत सारे आदिवासी आदमी सबको देखिएगा कि हार पहन रहता है, दांत जैसे उतना अपना छोटा छोटा छोटा, ऐसे ऐसे ये जीव है, जीव है, जीव है, जीव को मार दिया जाता है, या जीव मर जाता है तो खोल बच जाता है, छुप जाता है, उस खोल को लाता, शेयर करता और अपना जेवर बनाता, वो सब आदिवासी सब। डेंटेलियम, डेंटेलियम मतलब हाथी दांत जैसे रहता है, और उसका बॉडी तो है ही, ये मर जाता है। और ये जीव है काइटोन, और एक होता है शंख, कोनक, शंख इसी में आता है, कोनक मतलब शंख। तो बच्चों इतना है मोलस्का फाइलम के सजीवी, 80,000 में से मेनमेन था ये। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे फाइलम इकाइनोडर्मेटा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, ये बहुत ही खास है। इस फाइलम के जीव में, के शरीर में स्पाइन रहता, कांटा रहता, पूरे शरीर में कांटा रहता, चाहे कांटा छोटा हो, चाहे कांटा 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 चाहे छोटा हो, चाहे कांटा क्या हो बड़ा होगा, इसमें छोटा छोटा रहेगा, छोटा 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 छोटा, इसमें छोटा 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 छोटा, छोटा 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 छोटा, और इसमें क्या बड़ा बड़ा, उसके बॉडी में स्पाइन रहता है, कांटा रहता है, छोटा भी रहेगा बड़ा भी रहेगा। एनिमल का इंडोस्केलेटन आ गया, अब यहाँ से क्या हो रहा है, शरीर के अंदर में कंकाल आ रहा, इतना तक शरीर के अंदर में किसी में कंकाल नहीं था, जैसे अंदर बॉडी के अंदर में स्केलेटन आया, कैल्सियम कार्बोनेट से बना हुआ, जैसे हम लोग हड्डी होती है ना, वैसे स्केलेटन आ रहा है, वो शरीर के अंदर मतलब इंडोस्केलेटन जो कैलक्रियस रहेगा, मतलब कैल्सियम कार्बोनेट से बना, जैसे हम लोग का हड्डी, तो पहली बार हड्डी बनना चालू हुआ, समझ, बनना चालू हुआ, तो वो प्लेट होता है, वही हड्डी वाला प्लेट आगे उठ जाता है, तो बन जाता है कांटा में, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर कांटा में। हेंस द नेम इकाइनोडर्मेटा, मतलब स्पाइनी बॉडी, मतलब इकाइनोडर्मेटा का नाम इकाइनोडर्मेटा पड़ा स्पाइनी बॉडी, उसको शरीर में कांटा लगा है, तो कांटा लगा हुआ जीव को हम लोग कहते हैं फाइलम इकाइनोमेटा का जीव, या फाइलम इकाइनोडर्मेटा। स्टारफिश का सबका नाम सुनोगे, इसमें स्टारफिश सबके आगे बढ़ते एनिमल्स मैंने एक बात याद कर लिया, फाइलम
इकोनोडर्मेटा का जीव हमेशा समुद्र में ही रहेगा, तो दो फाइलम अब तक हमेशा समुद्र में रहेगा, एक का नाम है टीनोफोरा जो हमेशा समुद्र में ही रहेगा फ्रेश वाटर में रहेगा, दूसरा है फाइलम इकोनोडर्मेटा, फाइलम इकोनोडर्मेटा जो हमेशा कहाँ रहेगा समुद्र में ही रहेगा फ्रेश वाटर में रहेगा, और यह बाकी सभी और यह सिस्टम लेवल होगा है ना उसके, लेकिन ये होगा रेडियल सिमेट्रिकल, इसका शरीर होगा रेडियल सिमेट्रिकल, लेकिन लार्वा जो होगा इसका लार्वा, ये लार्वा हुआ इसका लार्वा, ये स्टार फिश हुआ, ये हुआ स्टार फिश, हुआ स्टार फिश, और स्टार फिश तो ये हुआ रेडियल सिमेट्रिकल, इसको अलग चीरेंगे, इसको अलग चीरेंगे, इसको अलग चीरेंगे, अलग चीरेंगे, लेकिन इसके जो लार्वा है लार्वा बायलेटरल सिमेट्रिकल बीचों बीच चीरेंगे, इसके लार्वा को बीचों बीच चीरा जाता है, बाइपेरेन्युरा लार्वा कहते हैं उसको, बीचों बीच चीरा जाता है, बीचों बीच लार्वा को बीचों बीच चीरा जाता है, तो लार्वा है, याद रखिए यूनिक बात है कि बॉडी मेन शरीर जीव जो है उसका शरीर है रेडियल सिमेट्रिकल, बट उसका जो लार्वा है वो क्या है बायलेटरल सिमेट्रिकल, दो भाग चीरने वाला, शरीर को अलग अलग पार्ट में चीर सकते हैं, उसके लार्वा को बीचों बीच चीर सकते हैं, यूनिक फीचर्स है याद रखिएगा, और समुद्र में रहता है याद रखिएगा, शरीर पर स्पाइन है कांटा है याद रखिएगा, इतना पॉइंट कैरेक्टर पढ़ने एनिमल का। नेक्स्ट उसके बाद क्या दे प्लोब्लास्टिक इजी बात है, सीलोमेट इजी बात है, ये सब जानते हैं, डाइजेस्टिव कंप्लीट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट मतलब मुंह भी रहेगा और एनस भी रहेगा, मुंह भी रहेगा और एनस भी, डाइजेशन क्या है कंप्लीट है, ऐसे चपटा शरीर है तो मुंह एनस कैसे, तो नीचे मिट्टी का जो शरीर रहेगा वहां पर मुंह रहेगा, बॉडी के ऊपर मतलब ऊपर साइड डोर्सल साइड में क्या रहेगा एनस रहेगा, डोर्सल साइड में क्या रहेगा एनस रहेगा, एनस रहेगा, और ये एनस हुआ तो बॉडी के ऊपर एनस रहेगा, और जमीन की तरफ जो उसका शरीर सटा रहेगा वहां पर मौत रहेगा, मौत ये बात याद रखिएगा, तो एनस रहेगा वेंट्रल साइड में और मौत रहेगा वेंट्रल साइड में, और एनस क्या रहेगा डोर्सल साइड में, मैं डोर्सल मतलब ऊपर पीठ वाला साइड, ये बात याद रखिएगा, चलिए ये भी बात समझिए। अस्सी बात नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट फीचर्स इकोनोमेटा प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, फाइलम पोलिफेरा में देखे थे, फाइलम पोलिफेरा में था केनाल सिस्टम, वाटर केनाल सिस्टम, फाइलम पोलिफेरा में था वाटर केनाल सिस्टम याद रखिएगा, फाइलम पोलिफेरा में था वाटर वाटर केनाल सिस्टम, बट इसमें इसका जो मेन फीचर है मेन डिस्टिंग सबसे अलग करना फीचर इसमें क्या इकोनोमेटा में वाटर वैस्कुलर सिस्टम, उसमें था केनाल सिस्टम, पोलिफेरा में था केनाल सिस्टम मतलब नहर वाला सिस्टम, केनाल 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 नहर वाला सिस्टम, केनाल सिस्टम, बट इसमें क्या वैस्कुलर सिस्टम, वैस्कुलर मतलब वेसल्स, वेसल्स मीन्स नली, इसमें नली होता पाइप होता, पानी यहाँ से जाएगा और पाइप पर नली में घूमेगा और हर चीज में जाएगा, उसके पास में इसमें जाता ट्यूब फिट, इस ट्यूब फिट को पानी घिसता है, पानी छोड़ता है तो भागता है, पानी घिंच लिया तो पानी घिंचा तब आगे बढ़ा, पानी घिंचा तब आगे बढ़ा, घिंचा तो पानी इसे घिंचेगा तो घिंचेगा तो उधर क्यों जाएगा, अब जैसे पानी यहाँ पर घिंचेगा, पानी घिंचेगा तो उधर जाएगा, अब पानी को छोड़ेगा तो इधर जाएगा, तो दोनों स्टाइल से बस पानी हम अंदर से पानी जाते रहता, पानी जाता पानी निकलता, पानी जाता पानी निकलता, पानी खींचा तो आगे कर दिया और पानी को फेंका, इसमें पूरे पानी रहा था, सब ट्यूब फिट करते, ट्यूब फिट ट्यूब फिट ट्यूब फिट ट्यूब फिट लोगो मोशन करेगा, सब में पानी बना, अब सोचिए कि पानी जब छोड़ेगा तो पानी छोड़ेगा तो रॉकेट जैसे आगे बढ़ेगा, और जब पानी खींचेगा तो आगे बढ़ेगा, पानी की तरफ जाएगा खींचेगा तो छोड़ेगा तो दूर भागेगा, तो ऐसा होता है इसमें, इसी से सब काम करता है, खाना भी इसी से खाता, जो पानी को खींचा तो छोटा सा जीव से अमीबा पलामी से हम सब सब घिसा के चला गया, फिर पानी को निकाला छोड़ा तो हर मन ऑक्सीजन भी पानी में का ऑक्सीजन भी पानी के द्वारा खींचा हुआ चला गया, लेकिन जब क्या किया कि पानी छोड़ा तो बेकार पदार्थ भी निकल गया, अपच पदार्थ भी निकल गया, मतलब सब कुछ निकल गया, ये मेन इसका काम है, भोजन को कैप्चर भी करता है सांस भी लेता है इसी के द्वारा, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, फिर से फाइलम पोलिफेरा में था वाटर केनाल सिस्टम, बट फाइलम इकोनोडर्मेटा में फाइलम इकोनोडर्मेटा क्या वाटर वैस्कुलर सिस्टम, जो डिस्टिंक्ट फीचर से याद रखिएगा, अब बाकी सब तो जानबे करते कॉमन बात है, लेकिन अलग अलग फीचर से, अगला पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट, अगर स्केपी सिस्टम ऑफ स्केपी सिस्टम में होता है, क्योंकि पानी जा रहा है ना पानी छोड़ रहा है ना उसी से स्केशन भी हो जाता है, उसी से उसका स्केशन हो जाता है, तो इसके लिए कोई बात नहीं, और सेक्स आर सेपरेट, सेक्स अलग अलग होते हैं, देखते हैं इसमें मेल बॉडी और फीमेल बॉडी अलग रहेगा, मतलब सेक्स क्या होता है कि अब सेंट रहता नहीं रहता है, सॉरी 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 सेक्स
सेपरेट रहता है, मतलब कि अलग अलग रहेगा, मेल बॉडी अलग रहेगा, फीमेल बॉडी अलग रहेगा, दोनों आपस में टच करेगा, गैमेट बनेगा, फर्टिलाइजेशन हमेशा बाहर होगा। फर्टिलाइजर मतलब कि ये छोड़ देगा अपना मेल को, गैमेट को, ऊपर वाला या नीचे वाला जो भी कुछ बॉडी छोड़ देगा मेल गैमेट को, मेल गैमेट को, ये मेल गैमेट को छोड़ देगा, गैमेट को, गैमेट को अंदर वाला छोड़ देगा, फीमेल गैमेट को, मान लीजिए दोनों में से कोई एक होगा फीमेल गैमेट को छोड़ देगा, और दोनों गैमेट कहाँ मिलेगा, पानी में मिलेगा, तो फर्टिलाइजेशन पानी में होगा तो एक्सटर्नल हो गया, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा मतलब लार्वास होगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट मतलब लार्वास होगा, और उसके अलावा स्वतंत्र रूप से तैरते रहेगा, उसके अलावा स्वतंत्र रूप से क्या होगा तैरते रहेगा, फ्री लिविंग तैरते रहेगा। तो ये बात हमें समझ लेना है, तो सेक्स क्या है, सेपरेट है मतलब मेल फीमेल अलग है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होगा या सेक्सुअल में भी होता है, अब एसोसिएशन कैसे बॉडी कट जाएगा, और बॉडी अगर कट जाएगा तो हर एक नया बॉडी एक नया हो जाएगा, तो एसेक्सुअल भी करता है फर्मेंटेशन से, एसेक्सुअल भी करता है फर्मेंटेशन से, लेकिन फर्मेंटेशन से करेगा तो सेम टू सेम हो जाएगा, एसेक्सुअल होगा सेम टू सेम होते, और सेक्सुअल भी करता है वेरिएशन होता, चेंज होता, क्योंकि दो बॉडी मिलता तो दो डीएनए मिलता, और दो डीएनए मिलेगा एक शरीर में तो स्पष्ट है मतलब होवे करेगा, वेरिएशन होवे करेगा, इवोल्यूशन होवे करेगा, ये बात याद रखिएगा। और लार्वा से उसका क्या होता है, विकास होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, जीव का नाम एस्ट्रेसिया स्टारफिश, कौन नहीं जानता, हम सब जानते हैं स्टारफिश के बारे में, स्टारफिश है ये, स्टारफिश है स्टार तरह। उसके बाद सी ये बहुत खतरनाक होता है, इसकी कांटा सब बच्चे लोग बहुत बड़ा बड़ा होता है, इतना बड़ा बड़ा कांटा होता है, और ये छोटा भी होते बड़ा भी होते, और समुद्र के पेंदी में उड़ाते रहता, इस पर कोई दूसरा जीव से हमला नहीं कर सकता, और इससे मांसाहारी है, मांस खाता है, छोटा छोटा मछली का लार्वा खा सकता है, मछली के बच्चा खा सकता है, अमला पराम से वो तो खेल करेगा पानी सूख लिया तो। उसके बाद में होता है सी लिली, एंटीगोन मतलब सी लिली, बड़ा खूबसूरत होते समुद्र के में, लिली फूल ऐसे होता है उसमें, इसका जो इधर के सब कांटा है, कांटा बहुत पतला पतला होता है, नाम है सी लिली। उसके बाद सी कुकुम्बर, ये कुकुम्बर जैसे रहता है समुद्री कीड़ा, सी कुकुम्बर, कुकुम्बर, सी कुकुम्बर, कुकुमरिया, कुकुमरिया। उसके बाद ये क्या है, ये ब्रिटल स्टार है, इसका जो कांटा होता है ना बहुत ही पतला पतला होता है, जैसे कि कोई मछली होता है ना जिसका कांटा बहुत ही, जैसे नैनी मछली कांटा बहुत पतला पतला फैला रहता है, तो वैसे ही हुआ ब्रिटल स्टार, अपूरा रूडा मतलब ब्रिटल स्टार, और स्टार फिश में कांटा सबसे सिंपल होता है, सबसे सिंपल होता है, और इस सबको सबको हम लोग खा सकते हैं, इस सबको चिकन हम लोग खाने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, सो कैसे खाएगा, उसको पकड़ छान के लाएगा, जाल फेंक के लाएगा, गर्म पानी में डालेगा तो मर जाएगा, जैसे गर्म पानी में डालेगा तो मर जाएगा, उसका कांटा बेअसर हो जाएगा, नर्वस सिस्टम के पास में, उनके पास नर्वस सिस्टम है, उसके बाद क्या होगा उसको चीरेगा, उसको फाड़ देगा, उसके केमिकल को, मारे केमिकल कहते हैं बॉडी के मटेरियल को बाहर निकाल के यूज कर लेगा खाना में। यहाँ पे तो हो गया, अब बच्चे लोग हम लोग पढ़ेंगे हेमिकोडाटा, पुराने जमाने में हेमिकोडाटा को कॉर्डाटा में रखा जाता था, पुराने जमाने में हेमी कॉर्डाटा को कॉर्डाटा में रखा जाता था, बट आज के में क्या किया कि कॉर्डाटा से हेमी कॉर्डाटा को अलग कर दिया, कॉर्डाटा से हेमी कॉर्डाटा को अलग कर दिया, मतलब आधा कॉर्डेट है आधा कॉर्डेट नहीं, तो नाम है हेमी, हेमी मतलब क्या होता है हाफ हाफ कॉर्डेट है हेमी कॉर्डाटा, अब ये में उसको सब फाइलम कॉर्डाटा में रखा गया था, कॉर्डाटा का फाइलम में रखा गया था, लेकिन अभी नहीं, बट नाउ इट प्लेस इन द सेपरेट फाइलम और नॉन कॉर्डेट्स में रखा गया, जबकि इसको अब फाइनली नॉन कॉर्डेट्स में, कॉर्डेट्स में नॉन कॉर्डेट्स में रखा गया, उनका बॉडी वर्म लाइक होता है, देखते वर्म लाइक बॉडी, ऐसे वर्म लाइक रहता है, वर्म लाइक, वर्म लाइक। चलिए कंट पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन हेमिकोडाटा, हेमिकोडाटा फाइलम स्मॉल ग्रुप के होते, माने माइनर फाइलम है, बहुत कम जीव आते इसमें, बहुत ही कम वैरायटी के जीव आते इसमें, कम वैरायटी के जीव आते इसमें हेमिकोडाटा में, वर्म लाइक होते बॉडी हमेशा वर्म लाइक, जैसे वर्म लाइक, जैसे वर्म लाइक बॉडी हमेशा वर्म लाइक होगा, बाकी सब वही सब आते घिटा बिटा बात, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा, बायोलेटर सिमेट्रिकल होगा, किप्लोब्लास्टी होगा, सिलोमेट होगा, तो कब से हम लोग घंस रहे हैं, ये सब कॉमन कैरेक्टर है, ये सब कॉमन कैरेक्टर है, सर कब से हम लोग घंस ही रहे समझ रहे। अगला पॉइंट नेक्स्ट फीचर्स, इनके शरीर को तीन भाग बांटा गया, इसके जो बॉडी है ना, इसकी बॉडी को हम लोग तीन भागों में क्या किया बांटा गया, तीन भागों में इसके शरीर को, एक है ये है प्रोबोसिस, और इसके बाद में उसके बाद कॉलर, प्रोबोसिस ये ग्रैंड हो जाता है पूरा प्रोबोसिस, इसका ये कॉलर, और ये हुआ धर ट्रंक, ये लॉन्ग हुआ ट्रंक ट्रंक ट्रंक, तो ये हुआ प्रोबोसिस, ये हुआ कॉलर, ये हुआ ट्रंक, उनके शरीर को फाइलम हेमिकोडाटा, फाइलम के जीव के शरीर को बॉडी को तीन भाग बांटा गया, कॉलर
प्रोबोसिस कॉलर ट्रंक, प्रोबोसिस कॉलर ट्रंक, प्रोबोसिस कॉलर एंड ट्रंक, याद रखिएगा। नेक्स्ट कैसे देखिए, फिर से देख लीजिए, प्रोबोसिस कॉलर एंड ट्रंक, बहुत सुंदर है। कॉलर कॉलर, ये प्रोबोसिस है, ये कॉलर है, जैसे हम लोग कॉलर होता है ना, कॉलर कॉलर, ये कॉलर, और यहां से यहां पे क्या है, ये ट्रंक है, ये ट्रंक ट्रंक ट्रंक, ये ट्रंक हुआ। ओके, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हुआ था, ओपन टाइप, क्यों, तो ये नॉन क्वाड्रेट्स में आ गया। कौन नॉन क्वाड्रेट्स का है, तो नॉन क्वाड्रेट्स में है, तो उसमें नॉन क्वाड्रेट्स में किसी एक ही नहीं केवल क्लोज है, उसका नाम है एनेलिडा, तो इसमें ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। स्पेस है, स्पेस ऑफ गिल्स, इसमें गिल्स होते, ये सब गिल्स है, ये सब गिल्स है, गलफड़ा है, इस गलफड़ा से पानी खींचता है, पानी में जो भी ऑक्सीजन मिला रहता है, चूंकि H2O ऑक्सीजन मिला, तो ऑक्सीजन को हीट का सेल यूज कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल लेता है, तो गिल्स है, शरीर में गिल्स होता है, तो सांस लेने क्या है उसके अंदर में गिल्स है, गलफड़ा है, गिल्स है, ये बात हमें समझिए, उसके बाद समझिए। इसके एक्चुअली ऑर्गन, उसका बेकार पदार्थ को जो बाहर निकालेगा, ये जी बेकार पदार्थ को बाहर निकालेगा, तो उसके पास में क्या था, प्रोबोसिस क्या रहेगा, ग्राइंड रहेगा, प्रोबोसिस ग्राइंड, जो बेकार पदार्थ को बाहर निकालता है, खून में से फिल्टर करता चुनता है और बेकार पदार्थ को बाहर निकालता है, प्रोबोसिस ग्राइंड। सेक्स सेपरेट रहेगा, डेट मीन्स की सेक्स सब सेपरेट रहेगा, दो अलग अलग बॉडी रहेगा, मेल का अलग फीमेल का अलग, फर्टिलाइजेशन बाहर में होगा, एक्सटर्नल मतलब बाहर में होगा, पानी में होगा, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट मतलब लाभास होगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट मतलब लाभास होगा, तो इतना इतना है। उसके बाद नेक्स्ट, इसका दो ही एग्जाम्पल है, इसके पास में दो ही एग्जाम्पल है, एक का नाम है एक का नाम है ये ब्लैनोग्लोसस, ब्लैनोग्लोसस ये समुद्र में आता है में, ब्लैनोग्लोसस, दूसरा का नाम है सैकोग्लोसस, दूसरे का, दूसरे का नाम है सैकोग्लोसस, सैकोग्लस, ये है सैकोग्लस, कि दोनों में क्या अंतर है, तो शरीर का, इसका शरीर थोड़ा छोटा होता है, इसका शरीर थोड़ा बड़ा होता है, सैकोग्लस का शरीर थोड़ा सा बड़ा होते हैं, ब्लैनोग्लोसस शरीर थोड़ा सा छोटा होता है, याद रखिएगा ब्लैनोग्लोसस। आगे बढ़ते, ये तो हम लोग समझ गए, इतना तो हम लोग समझ गए। अब दो ही पास दो ही एग्जाम्पल है, सैकोग्लस ब्लैनोग्लोसस, ब्लैनोग्लोसस शरीर छोटा होगा, सैकोग्लस का बड़ा होगा। अब बच्चे हम लोग पढ़ेंगे फाइलम कॉर्डाटा, बोले भाई ये थे थोड़ा सा फाइलम कॉर्डाटा पढ़ाएंगे, उसके बाद में बाकी कल खत्म करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे भी पढ़ना। फाइलम कॉर्डाटा सबसे डेवलप, सबसे एडवांस, सबसे जटिल और दुनिया में छा जाने वाला जो एनिमल्स है, एनिमल्सों का सबसे बॉस हम लोग है, हम सब भी इसी फाइलम आते हैं, फाइलम कॉर्डाटा। कॉर्डाटा फाइलम में मेन कैरेक्टर है कि इंद्रियो में नोटोकोड पाया जाता था, और उस डॉर्सल सर में, किस सर में, और नोटोकोड बदल जाता है रीढ़ की हड्डी में, मतलब बैकबोन में, इसीलिए मछली को, एम्फीबिया मेढक सब को, उसके रेप्टिलिया रेंगने वाला को, सांप का सुअर मगरमच्छ एप्स मतलब पक्षी सब को, और मैमलिया मतलब मैमल्स को, सबके पास में क्या, रीढ़ की हड्डी और हड्डी है, नोटोकोड। और उसके बाद नोटोकोड डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड, उसके बाद नर्वस सिस्टम कॉर्डाटा फैला में पीछे से रहेगा, पीछे से पीछे इंद्रियों में बनेगा, होलो नर्व कॉर्ड बनेगा, जो होलो नर्व कॉर्ड बाद में बदल जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में, बाद में बदल जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में बदल जाएगा, डॉर्सल पीस साइड, तो कॉर्डाटा फाइलम के जीव का नर्वस सिस्टम क्या पीस साइड में, और नॉन कॉर्डेट में कहा रहेगा, आगे से वेंट्रल, हम लोग में डॉर्सल, और नॉन कॉर्डेट में वेंट्रल, याद रखिएगा। गिल्स सेट रहेगा, हम लोग जो माँ के घर में पलते हैं ना इमरियो में, उसमें गिल्स बनता, वही गिल्स बाद में बदल जाता हम लोग में किसमें, लंग्स में, लंग्स में, लंग्स में, तो गिल्स सेलाइट रहेगा यहाँ पर, फारेंजियस पास में गिल्स सेलाइट होता है, इसलिए फारेंस में गिल्स सब आगे बढ़ गया, तो बन गया किसमें, हम लोग का लंग्स में। इंद्रियो की बात है, इमरियो की बात है, क्योंकि इमरियो से विकास समझने की कोशिश करता है, इमरियो से ही विकास समझने की कोशिश करता है। आगे बढ़ते, बायोलेटरल सेमिकर, टिप्रोब्लास्टिक, सिलोमेट, ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑर्गेनाइजेशन, एनस रहेगा, सब मौत रहेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज रहेगा, खून का रंग लाल होगा, खून का रंग लाल होगा, हार्ट आगे रहेगा, हार्ट में चैम्बर होगा, दो चैम्बर, तीन चैम्बर, चार चैम्बर, हार्ट में दो चैम्बर, तीन चैम्बर, चार चैम्बर, मछली से में दो चैम्बर, इंफिया से में दो चैम्बर, रेप्टेरिया से में तीन चैम्बर, और बर्ड से मेमोरिया में चार चैम्बर, हार्ट में चार चैम्बर, पोटरी चार चौके, सब कुछ रहेगा, क्लोज का सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा, आरबीसी रहेगा, डब्ल्यूबीसी रहेगा, प्लेटलेट्स रहेगा, खून लाल रहेगा, हम लोग का जो कैरेक्टर है सब कैरेक्टर इसी में, फाइलम कॉर्डाटा में, बस ये सब सबके सब देखे हुए कहते हैं, सब जन्म कहते हैं फाइलम कॉर्डाटा। नेक्स्ट, फाइलम कॉर्डाटा को तीन भाग बांटा गया, फाइलम कॉर्डाटा को तीन भाग बांटा गया, एक है न्यूरो कॉर्डाटा, दूसरा है सिफेलो कॉर्डाटा, दूसरा तीसरा है वर्टीब्राटा, वर्टीब्राटा ना हम लोग आते हैं, मतलब इसमें रीढ़ की हड्डी हो कंप्लीट लाइफ टाइम तक, और शरीर में हड्डी हो पूरा, तो उसको तो वर्टीब्राटा, वर्टीब्राटा, लेकिन उससे कॉर्डाटा में दो और फाइलम है,
सब फाइलम, मतलब फाइलम से नीचे होगा सब फाइलम, यूरो कॉर्डाटा, सिफालो कॉर्डाटा। यूरो कॉर्डाटा में केवल लार्वा में केवल रहेगा, इम्ब्रियो में लार्वा में केवल रहेगा कॉर्डेट्स, मतलब नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड इसमें जीवन भर रहेगा, लेकिन अनडेवलप है, लैंसेट कहते हैं। इसमें तो क्या है, डेवलप है सब कुछ सदा। इसलिए दिनों को समझते फाइलम कॉर्डाटा को तीन सब फाइलम बांटा गया, यूरो कॉर्डाटा, सिफालो कॉर्डाटा और वर्टिब्राता। हम लोग किसका है, सब फाइलम वर्टिब्राता का, हम लोग सब फाइलम वर्टिब्राता है। देखिए सब फाइलम यूरो कॉर्डाटा सिफालो कॉर्डाटा कहा था, प्रोटो कॉर्डेट्स, प्रोटो कॉर्डेट्स मतलब पहले का कॉर्डेट्स, मतलब सब फाइलम यूरो कॉर्डाटा सिफालो कॉर्डाटा को कहा जाता प्रोटो कॉर्डेट्स, मतलब कॉर्डेट्स का भी पहला कॉर्डेट्स। अब इसका शरीर, इसको कोई एनिमल कहे होगा, ग्लास है। तो ये है वह सिफालो कॉर्डाटा का, नहीं सॉरी यूरो कॉर्डाटा का, यूरो कॉर्डाटा का, ये है सिफालो कॉर्डाटा का मछली जैसे, गेंची मछली जानते ना, गेंची मछली, गेंची मछली जैसे होगा। तो ये हो गया सिफालो कॉर्डाटा, और ये क्या होगा, यूरो कॉर्डाटा, तो ग्लास जैसे। और ये दोनों अक्सर यूरो कॉर्डाटा सिफालो कॉर्डाटा फाइलम है, सब फाइलम किसका, कॉर्डाटा का, ये अक्सर समुद्र में ही पाया जाता है। तो आपका समुद्र में तीन तीनों फोरा ग्राउंडमेटा और सब फाइलम यूरो कॉर्डाटा सिफालो कॉर्डाटा समुद्र में, केवल समुद्र में पाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, यूरो कॉर्डाटा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली लार्वा में। यूरो कॉर्डाटा में जो नोटोकॉर्ड पाया जाएगा ना, यूरो कॉर्डाटा में, यूरो कॉर्डाटा में नोटोकॉर्ड जो पाया जाता है केवल लार्वा में पाया जाता है। सिफालो कॉर्डाटा में हेड से टेल तक रहेगा और ये लाइफ टाइम रहेगा। सिफालो, ये सिफालो कॉर्डाटा में नोटोकॉर्ड, ये नोटोकॉर्ड है, हेड से टेल तक रहेगा। सिफालो कॉर्डाटा में, सिफालो कॉर्डाटा में हेड से टेल तक रहेगा नोटोकॉर्ड, लेकिन यूरो कॉर्डाटा में केवल उसके लार्वा जो होगा, कितना सुंदर है, ग्लास लगता है, लार्वा में केवल क्या रहेगा, नोटों पर, बाकी जगह नहीं रहेगा। चलिए ये विवाद हम लोग समझते हैं। इसके नेक्स्ट पॉइंट, हाँ एग्जाम्पल है यूरो कॉर्डाटा का, यूरो कॉर्डाटा का एग्जाम्पल है एसिडिया। तो ये एसिडिया है ग्लास जैसे एसिडिया होते। उसके बाद सल्फा, ये हो गया सल्फा, सल्फा। उसके बाद डोलोलियम, ये है डोलोलियम, ढोलक जैसे, ढोलक जैसे डोलोलियम, ढोलक जैसे, ढोलक जैसे, देखिएगा ढोलक जैसे डोलोलियम, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, तो एम्फियोक्सस, ये एम्फियोक्सस हो गया, ये एम्फियोक्सस हो गया इसका सिखालो कोटाटा का एम्फियोक्सस, मतलब गेंची मछली जैसे, गेंची मछली जैसे रहता है एम्फियोक्सस। तो सिखालो कोटाटा का भी एग्जाम्पल दिया है एम्फियोक्सस, एम्फियोक्सस, एम्फियोक्सस मतलब लैंसलेट कहते उसको। और यूरो कोटाटा का तीन, डोलियम, डोलियोलम, सल्फा और एसिडिया। यह है एसिडिया, यह है सल्फा और यह डोलोलियम, और ये क्या है सिफालो कॉर्डाटा का एम्फियोक्सस, सिफालो कॉर्डाटा क्या है एम्फियोक्सस। तो इतना हो गया बच्चे लोग सब फाइलम। अब ये वर्टिब्राता, इसमें हम लोग आते फाइलम कॉर्डाटा के सब फाइलम वर्टिब्राता में हम सब आते। अब इसको भी दो भाग बता दिया, एक में पाँव है एक में पाँव नहीं है। तो पाँव नहीं है उसको क्या कौन ग्रुप में रखेंगे, मछली बताते हैं, और जिसमें पाँव है टेट्रापोडा, इसमें हम लोग आ जाएंगे। तो इसको अब यहाँ पर रहने दीजिए, यहाँ से हम लोग का कल लास्ट हो जाएगा चैप्टर एनिमल किंगडम। तब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पांच दिन का। तो कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, इसीलिए बस आधे दिन तक। देखो बच्चे लोग आधा एक घंटा बाद हम फिर नोटिस करेंगे, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए भी लाइव आऊंगा, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए मैं लाइव आ रहा हूँ, लेकिन आधा घंटा या एक घंटा के बाद मैं नोटिस कर दूंगा। सर्कुलेशन भी पढ़ाना, फिजियोलॉजी भी पढ़ाना, इसको बंद नहीं करना, तो मैं लाइव आऊंगा। तो बस आज बस यहीं, तो बच्चे लोग जाइगो जी, जाइगो जी, जाइगो जी।